हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रह चुकी है। जी हाँ, और ये प्लेस और कहीं नहीं बल्कि इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा में है। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ ऊनाकोटी की, जो कि प्रेजेंट डे में एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। और जैसा कि आपको वीडियो देख के लग ही रहा होगा, ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले शूट किया है, लगभग मार्च अप्रैल ऑफ 2023, और उस टाइम काफ़ी ही हैवी रेनफॉल्स हो रहे थे। बट ड्यू टू सम रीजंस मैं इस वीडियो को आज तक अपलोड नहीं कर पाया। बट क्योंकि करंटली मैंने फिर से आसाम को विज़िट किया है और वहाँ पर मैंने कुछ वीडियो शूट किए हैं, तो मैं इस वीडियो को उन वीडियोज़ की सीरीज़ के साथ क्लब करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड आपको आगे की वीडियो जो है, जो लेटेस्ट वीडियोस मैंने शूट किए हैं वो भी दिख जाएंगे, जिसमें फिर से मैं कुछ ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ पे मैंने आर्ट और कल्चर को एक्सप्लोर किया है। सो कमिंग बैक टू ऊनाकोटी ट्रिप, वंस अपॉन अ टाइम मैंने, मेरी फैमिली ने, हमने डिसाइड किया था कि हम लोग हाफलोंग जाएंगे, जो कि आसाम में ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है। एंड वहाँ के लिए हमने पूरी प्लानिंग भी करके रखी थी, बट ड्यू टू हैवी रेनफॉल्स लैंडस्लाइड हुए एंड हमारा वो ट्रिप कैंसिल हो गया। सो हम लोग हाफलोंग नहीं जा पाए, जितना भी हमारा मन था, हमारी प्लानिंग थी, सब पानी हो गया। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अगर हम हाफलोंग नहीं जा पा रहे हैं तो हम कहीं और चले जाएंगे, पर घर पे तो नहीं बैठेंगे। इंटरेस्टिंगली ये लोकेशन मेरी बकेट लिस्ट में काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, बट बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज हम कभी यहाँ जा नहीं पाए। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मॉर्निंग में ऊनाकोटी के लिए ज़रूर निकलेंगे, चाहे इस बार आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए। सो जब हम लोग ऊनाकोटी के लिए निकले, उस टाइम पे काफ़ी ही तेज़ बारिश हुई, बट आधा रास्ता क्रॉस किया और उसके बाद फिर ज़्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिली, विच वॉज़ अ वेरी गुड थिंग। हालाँकि देयर वर मेनी स्पॉट्स जहाँ पर रोड्स बहुत ही ख़राब थे, कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर रोड्स थे ही नहीं और व्हीकल्स के फंसने के ज़्यादा चांसेस बन रहे थे, बट किसी तरीके से हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने बड़ी ही अच्छे से ड्राइव करके उन रास्तों से गाड़ी को निकाल लिया एंड हम लोग सही सलामत ऊनाकोटी पहुंच गए। जाते ही हम लोगों ने गर्मा गर्म पकौड़े खाए, चाय पी और नारियल पानी भी पिया, क्योंकि बहुत प्यास लगी हुई थी। लगभग 3.5-4 घंटे का हमने ट्रिप मारा था एंड हमारा जो नाश्ता है वो करके हम लोग ऊनाकोटी के अंदर चले गए। एंड अंदर जाके दोस्तों हम लोगों को बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आई, इस तरह का आर्ट, इस तरह के स्कल्पचर्स देख के, जो कि रॉक कार्विंग्स थी वो देख के काफ़ी मज़ा आ रहा था। और इस जगह के आसपास का जो फॉरेस्ट कवर है वो भी बहुत ही अलग लेवल की फीलिंग, अलग लेवल की एक्साइटमेंट पर ले गया था हम लोगों को। और ख़ास करके जो क्लाइमेट था, क्लाउडी था और बिल्कुल भी धूप नहीं थी, हल्की हल्की बरसात बीच बीच में हो रही थी, सो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा था। सो जल्दी से हमने यहाँ पे स्पॉट पे फोटो सेशन वगैरह कर लिया और वो होने के बाद हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए मेन स्पॉट की तरफ चले गए, क्योंकि काफ़ी ही चलना है इस जगह के अंदर। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से जल्दी जो सेंटर पॉइंट है वहाँ की तरफ निकल पड़े। एंट्रेंस क्रॉस करने के बाद एक स्लोपी डिसेंट है, एक उतार है, जहाँ से होते हुए हम लोगों को वो सेंटर ऑफ द साइट है वहाँ तक पहुँचना है। और वहाँ पे पहुँच के आप लोगों को काफ़ी ही अलग टाइप का नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि आसपास ऊंचे ऊंचे हिल्स देखने को मिलती है, चट्टाने देखने को मिलती है, उनमें रॉक कार्विंग्स देखने को मिलती है, एक तरफ से वाटरफॉल गिर रहा है जो कि छोटी सी नदियाँ बन के बह रहा है। सो सेंटर में पहुँच के काफ़ी अलग लेवल का गेम हो जाता है। अब दोस्तों ढलान के रास्ते तो हम लोग यहाँ सेंटर ऑफ द साइट तक पहुँच गए, लेकिन दूसरी तरफ एक चढ़ाव है, एक एसेंट है, जहाँ से क्रॉस करके हमें पता चला एक रूम है जहाँ पे रॉक कार्विंग्स को रखा हुआ है और भी कई सारी, और एक प्राचीन पुराना शिवलिंग भी है थोड़ी दूर चल के जंगलों के अंदर। सो हमने डिसाइड किया कि हम ये दोनों की दोनों चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड रास्ते में जब हम जा रहे थे तो जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे कई जगह पे मुझे एक अलग टाइप की इंसेक्ट्स देखने को मिली, जो कि लग तो रही थी कि चींटियाँ हैं, बट रेगुलर जो हमें चींटियाँ देखने को मिलती है शहरों में उससे काफ़ी अलग थी।
जाते जाते हम लोग फिर वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ रखी हुई है एक रूम के अंदर। वहाँ की जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने ताला खोल के हमें अंदर जाने की अनुमति दी और अंदर जाके हमने वो मूर्तियाँ देख भी ली। हालांकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इन मूर्तियों की कंडीशन थोड़ी सी बेटर रहेगी, बट मूर्तियों की कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं है। सो मूर्तियाँ देख लेने के बाद हम लोग आगे बढ़े और एक जंगल का रास्ता है जहाँ के थ्रू हमें जाना था उस प्राचीन शिवलिंग को देखने के लिए। बट आसपास जो है इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि हल्का सा डर भी रहता है कि कहीं से कुछ सांप बिच्छू ना निकल के आ जाए। सो बहुत ही केयरफुली चलना पड़ रहा था एंड बरसात भी थी तो स्लिपरी भी था। सो काफ़ी ज़्यादा कॉशियसली मैं आगे बढ़ रहा था एंड आफ्टर अबाउट 200-250 मीटर्स का जो वॉक है वो होने के बाद, वो पूरा करने के बाद मुझे वहाँ पे वो प्राचीन शिवलिंग दिखा और आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ तक पहुँच के। सो शिवलिंग जी के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े। हम लोग गए वहाँ पे वाटरफॉल के पास पहुँचे और वहाँ पे इस टाइम इस वक्त लगभग हमें एक डेढ़ घंटा हो गया था आए हुए, तो वहाँ पे थोड़े बहुत लोग भी आ रहे थे और कुछ पंडित जी जो है वो पूजा भी कर रहे थे और ऐसा मुझे पता चला कि यहाँ पे पूजा होती रहती है। एंड मैंने भी पूजा पाठ में पार्टिसिपेट कर लिया था उस टाइम पे बिकॉज वो एनवायरनमेंट ही वैसा था, आई कुड नॉट रिजिस्ट। और इन महाशय को देखिए, इनको भी पूजा में पार्टिसिपेट करना है, अकेला मैं ही नहीं हूँ। अच्छा दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात इस जगह को लेके ये है कि क्या आप लोग जानते हैं इस जगह का नाम ऊनाकोटी क्यों पड़ा है? इस सवाल का जवाब इस जगह के नाम में ही छुपा हुआ है। एक्चुअली ऊनाकोटी शब्द दो संस्कृत के वर्ड्स को जोड़ के बनाया गया है। वन इज ऊना विच मीन्स वन लेस एंड कोटी मीन्स करोड़। सो ऊनाकोटी का एक्चुअल मतलब है वन लेस देन वन करोड़। मान्यता यह है कि भगवान शिव मेडिटेशन के लिए कहीं जा रहे थे, सो कई देवी देवताओं ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो लोग उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। सो भगवान शिव ने मान तो लिया लेकिन उन्होंने ये कंडीशन रखी कि उस पूरी की पूरी पलटन को, उस पूरी की पूरी टोली को वही लीड करेंगे। जब वो रुकेंगे तब सबको रुकना है, जब वो चलेंगे तब सबको चलना है। एंड इसके लिए सभी देवी देवता मान गए। सो भगवान शिव आगे बढ़े और चलते चलते ऊनाकोटी के जंगलों में रुक गए। सो सभी देवी देवता उनके साथ रुक गए। उसके बाद जब भगवान शिव आगे बढ़े तो उन्होंने पीछे देखा और देखा कि सभी के सभी देवी देवता थक हार के सो गए हैं। सो उन्होंने सभी देवी देवताओं को शाप देके पत्थर का बना दिया और खुद आगे बढ़े। तो कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ देवी देवता इंक्लूडिंग भगवान शिव 1 करोड़ थे, बट भगवान शिव क्योंकि वहाँ पे पत्थर बन के नहीं रहे, वो आगे निकल गए। सो इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रॉक बॉडीज जो थी देवी देवताओं की वो थी 99,99,999। एक और इंटरेस्टिंग बात इस जगह की ये है कि यहाँ पे आजकल भी एक फेस्टिवल रखा जाता है, एक मेला रखा जाता है जिसका नाम है अशोक अष्टमी मेला। एंड वो मेला अप्रैल के मंथ में रखा जाता है एवरी ईयर। सो अगर आप लोग उस मेले में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप लोग डेट्स चेक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर उस मेले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी और एंड होपफुली मुझे लगता है मैंने कोई डिटेल मिस नहीं की है, बट अगर मैंने कहीं कोई मिस्टेक की है या मुझसे कोई डिटेल मिस हुई है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट हमारे जो बाकी के व्यूअर्स हैं उनको भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।